हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब सहेली चैनल में और मैं हूँ प्रेरणा। और आज हम बात करने वाले हैं कि गर्भधारण करते ही एक बड़ी ही खास चीज है जो कि बहुत ज्यादा महिलाओं में देखी गई है। फ्रेंड्स, स्टडीज बताती हैं कि जैसे ही एक महिला गर्भधारण करती है तो ऐसी 90% महिलाओं में, जो महिला प्रेग्नेंट होती है, उन 90% महिलाओं में फूड क्रेविंग देखी गई है, पाई जाती है। और ये प्रेग्नेंट होते ही शुरुआती महीने में, पहले महीने में ही, चौथे पांचवें हफ्ते से दिखाई देने लग जाती है। तो आपको अगर और कोई लक्षण नहीं पता चल रहा लेकिन आपको फूड क्रेविंग हो रही है, कि खास चीजों को खाने का बहुत मन हो रहा है, आपके खाने पीने की प्रायोरिटीज चेंज हो गई हैं, तो भी आप समझ सकती हैं कि आपने गर्भधारण किया है या नहीं। हालांकि किसी भी व्यक्ति को अगर कोई पर्टिकुलर चीज बार बार खाने का मन करता है तो सामान्यतया यह दर्शाता है कि उस व्यक्ति के शरीर में उन पोषक तत्वों की, उस चीज की कमी है और शरीर उसकी पूर्ति के लिए उस फूड के प्रति क्रेविंग को दर्शा रहा है। लेकिन प्रेग्नेंट महिलाओं के विषय में ये पक्ष बिल्कुल अलग है। जैसे ही एक महिला प्रेग्नेंट होती है, बॉडी के अंदर हार्मोन्स बहुत तेजी से बदलाव लेते हैं। बहुत तेजी से जो बदलाव होता है वो हमारे शरीर की क्रियाओं को प्रभावित करता है। और जैसे ही शरीर की क्रियाएं प्रभावित होती हैं, हमारे पोषण के स्तर में भी बहुत बदलाव आने लगता है। उस समय महिलाओं को किन्हीं विशेष चीजों को खाने की बहुत इच्छा करती है, और वो चीजें क्या है? शुगरी चीजें, शक्कर से बनी हुई चीजें, जैसे कि चाशनी वाली मिठाइयां। बहुत मन करता है प्रेग्नेंट महिलाओं को शुरुआती समय में कि काफी मीठी चीजें, चाशनी में बनी हुई मिठाइयां खाएं। इसके अलावा कुछ महिलाओं को मन करता है कि काफी तीखा स्पाइसी फूड वो खाएं, जैसे कि फास्ट फूड, बड़ा पाव, काफी ऐसी तीखी चीजें खाएं, मिर्च वाली चीजें खाएं। कुछ महिलाओं को बहुत खट्टा खाने का मन करता है, किसी भी चीज में वो खट्टा फ्लेवर पसंद करती हैं। कई महिलाओं को चॉकलेट्स खाने का बहुत मन करता है, तो स्पाइसी, शुगरी, सॉल्टी और सोर, खट्टी चीजों का, इस तरह की क्रेविंग्स महिलाओं को अर्ली प्रेगनेंसी में, चौथे पांचवें हफ्ते में अक्सर देखी गई है। और ये दर्शाता है कि आपके शरीर में हार्मोन्स में तेज गति से बदलाव हो रहा है और उन बदलावों की वजह से आपकी फूड चॉइस में अंतर आ गया है। अगर आपकी डेट मिस हो गई है या डेट आने वाली है और आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं तो आप अपने शरीर में इन बदलावों को महसूस कर सकती हैं। लेकिन यहाँ पे ही एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो जो भी आपको फूड क्रेविंग हो रही है, उस फूड क्रेविंग के दौरान आप कुछ ऐसा ना खाएं जो कि आपकी प्रेगनेंसी को हार्म करे, प्रेगनेंसी को नुकसान पहुंचा दे, आपके शरीर को डिस्टर्ब करे, आपके पेट को डिस्टर्ब करे। क्योंकि अगर बार बार आप कम पोषण वाली चीजें, ज्यादा ऑयल में बनी चीजें खाएंगी तो आपके शरीर में पोषण का स्तर प्रभावित होगा और अल्टीमेटली वो आपकी प्रेगनेंसी पे भी इनडायरेक्ट इफेक्ट जरूर डालेगा। तो इस समय आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं, आपका टेस्ट आगे पॉजिटिव आ रहा है, और या फिर और भी सिम्टम्स आपको प्रेगनेंसी के दिखाई दे रहे क्रेविंग्स के साथ में, तो ऐसे समय में आपको अपनी क्रेविंग को भी शांत करना है। लेकिन संतुलन में रह के आप इतना ज्यादा तीखा ना खाएं कि पेट में गर्मी हो, एसिडिटी हो, इतना ज्यादा मीठा ना खाते रहे ताकि आपका वेट बहुत तेजी से बढ़ने लग जाए। आपके पोषण के स्तर को आपको मेंटेन रखना है अपनी क्रेविंग्स को पूरा करते हुए। तो सहेलियों, उम्मीद करती हूँ कि आप भी अपनी डेट के आसपास अगर बेबी प्लान कर रही हैं तो इन लक्षणों को ऑब्जर्व करेंगी, अपनी प्रेगनेंसी को प्रेडिक्ट करेंगी और फूड क्रेविंग को कैसे मैनेज करना है इसको भी समझ चुकी होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।